हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसमें हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं लाइक स्ट्रिंग, फंक्शन, अरे, डेट एटसेट्रा, वो सभी ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आखिर ये ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक स्पेशल टाइप का डेटा या वेरिएबल होता है जिसकी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होती है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम कि एक वेरिएबल होता है या एक स्पेशल टाइप का डेटा होता है जिसकी प्रॉपर्टीज होती है एंड मेथड होती है। ठीक है, तो आखिर प्रॉपर्टीज क्या होती है और मेथड्स क्या होती है? एक्चुअली प्रॉपर्टी वो वैल्यू होती है जो ऑब्जेक्ट को प्रदान की जाती है या एसोसिएट की जाती है इसके साथ या उसे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को आप जो वैल्यू देते हैं उसे हम कहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज। और मेथड, मेथड वो एक्शंस होती है जो कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसे और आसानी से समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। हम लैपटॉप को एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि हम लैपटॉप को भी यहां पर एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी और इसकी कुछ मेथड होगी। प्रॉपर्टीज मतलब कुछ वैल्यूज, कुछ ऐसी चीजें जो इसमें दिखाई देंगी, और मेथड्स मतलब कुछ ऐसी एक्शन जो परफॉर्म कर सकता है। तो अगर लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? लैपटॉप का नेम हो सकता है, जो मान लेते हैं डेल है मान लेते हैं। ठीक है, देन लैपटॉप का मॉडल नंबर हो सकता है, लाइक कुछ भी XYZ10101। ठीक है, देन लैपटॉप का वेट हो सकता है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जो शो होंगी, वेट इसका हम 2.5 kg मान लेते हैं। देन लैपटॉप का कलर भी उसकी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक। ठीक है, तो ये तो होगी लैपटॉप की प्रॉपर्टीज। और लैपटॉप जिसे हमने माना एक ऑब्जेक्ट है, तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि लैपटॉप यानी किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट की जो मेथड होती है वो देखते हैं अब हम। अभी देखते हैं कि लैपटॉप क्या क्या कर सकता है। लैपटॉप जो है वो स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, मेथड को इस तरह लिखा जाता है, देन लैपटॉप शट डाउन हो सकता है, देन लैपटॉप जो है वो रिबूट हो सकता है मतलब रिस्टार्ट, एंड लैपटॉप जो है वो टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो ये सब जो है वो हो गई हैं एक लैपटॉप की एक्शंस, और एक्शंस को हम कहते हैं मेथड। ठीक है, तो लैपटॉप को हमने माना एक ऑब्जेक्ट और हमने इसकी प्रॉपर्टी शो की और इसकी मेथड भी शो की। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज होती है और उसकी मेथड होती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का डेटा या वेरिएबल होता है। तो हम देखते हैं कि हम खुद का ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, मतलब एक यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है जिन्हें हम आगे की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, नंबर ऑब्जेक्ट, अरे ऑब्जेक्ट, बुलियन ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट में हम खुद डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, प्रोग्रामर या डेवलपर जो खुद ऑब्जेक्ट बनाता है खुद के लिए उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक तरह का वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको लिखना होता है var एंड देन उसके बाद में नेम लिखना होता है। आपको पता है नेम कैसे लिखते हैं, हमने फंक्शन में भी देखा है और वेरिएबल में भी देखा है। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं साइड और हमें इसे बनाना है ऑब्जेक्ट। तो हम यूज करेंगे न्यू कीवर्ड का। ठीक है, एक रिजर्व कीवर्ड है, आप देख सकते हैं बोल्ड हो गया न्यू लिखते ही। देन उसके बाद आपको लिखना होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ओ जो है वो कैपिटल आता है, देन उसके बाद में पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो कंस्ट्रक्ट करता है, और न्यू के बाद ऑब्जेक्ट इस तरह लिखने से एक जो वेरिएबल आपने लिखा है वो एक ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, तो वेरिएबल बनाया हमने साइड, साइड को हमने बना दिया एक न्यू ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा ओ कैपिटल लिखना है। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट तो बना दिया, जैसे कि हमने कहा था ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ मेथड्स होती है। तो मेथड हम देखेंगे कुछ देर बाद, पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने के लिए आपको इस तरह लिखना होता है साइड, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम। ठीक है, डॉट, देन जो भी प्रॉपर्टी आप देना चाहते हैं लाइक नेम, साइड डॉट नेम। ठीक है, तो सिंटेक्स का ऐसा बनता है ऑब्जेक्ट नेम
देन डॉट लगाकर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नेम है साइट डॉट नेम इक्वल टू जो भी आप देना चाहें, मैं दे देता हूँ wishacademy.com, ठीक है। देन जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं, यहाँ पर मैं दे देता हूँ साइट डॉट टाइप इक्वल टू एजुकेशनल साइट, देन साइट डॉट ऑथर इक्वल टू विनय सिंह। सो इस तरह आप जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, एंड आप चाहें तो यहां पर रोककर अपने स्क्रिप्ट कंटिन्यू करके और आगे भी अगर आप लिखेंगे कुछ और लाइक साइट डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू कंप्यूटर, ठीक है। तो इस तरह आप यहां पर अपने स्क्रिप्ट लिखी एंड उसके बाद में वापस से आपने चाहे तो प्रॉपर्टीज एक्सटेंड कर दी और ज्यादा प्रॉपर्टीज इसमें दे दी, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूजिंग कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर से। देन यहां पर हमने क्या करा, प्रॉपर्टीज दिए एंड यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। अभी ने हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, वेल डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मैंने प्रिंट भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाकर एंड द ऑथर ऑफ साइट डॉट नेम, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिस तरह वेरिएबल यूज करते थे उसी तरह इसे यूज करना है, ठीक है। इज साइट डॉट ऑथर, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, द ऑथर ऑफ साइट डॉट नेम इज साइट डॉट ऑथर एंड यहाँ प्लस लगा दिया मैंने गलती से, ओके ये देखिए द ऑथर ऑफ wishacademy.com इज विनय सिंह, जो कि साइट डॉट नेम था wishacademy.com, साइट डॉट ऑथर था विनय सिंह, ठीक है। तो इस तरह हम खुद के फंक्शन बना सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। वैसे फंक्शन को बनाने का एक और अल्टरनेट वे भी होता है, आप अगर इस तरह बनाना चाहें तो इस तरह बना सकते हैं, या फिर न्यू ऑब्जेक्ट को इस तरह यहाँ से हटाकर एंड डायरेक्टली यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का सेट लगाइए एंड साइट इक्वल टू के बाद में कर्ली ब्रैकेट्स, देन नेम जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, देन कॉलन, देन डबल कोटेशन और यहाँ पर वैल्यू। अगर आप नंबर वैल्यू दे रहे हैं तो आपको डबल कोटेशन नहीं लगाना है, ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं तो आपको डबल कोटेशन लगाना है। अगर आप फ्लोट वैल्यू दे रहे हैं वो भी नंबर में आता है तो भी आपको नहीं लगाना है, लाइक साइज दे दिया आपने 50 तो आपको यहाँ पर डबल कोटेशन नहीं लगाना है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर नेम दे रहे हैं और नेम एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो डबल कोटेशन लगाना है, ठीक है। wishacademy.com देन कॉमा लगाकर अगली प्रॉपर्टी लाइक ऑथर, यहाँ पे आपको साइट डॉट ऑथर नहीं लिखना पड़ेगा, सबको साइट के अंदर ही चल रहा है, कलर ब्रैकेट में बाइंडेड है भी है, ठीक है। ऑथर कॉलन विनय सिंह, ठीक है, सेव करते हैं अभी इसको यहीं पर ही एंड रिफ्रेश। ये देखिए अभी भी ये चल रहा है, इसका मतलब है कि हम इस तरह भी किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल स्टेटमेंट में, सिंगल लाइन में। अब देखते हैं मेथड्स को, तो मेथड हम यूजर डिफाइंड मेथड के बजाय बिल्ट इन मेथड का यूज करते हैं जल्दी समझने के लिए। तो मैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स दोनों यूज करते हैं हम। एक वेरिएबल ले लेते हैं x इज इक्वल टू दिस इज माय वेबसाइट, तो मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू ले ली x वेरिएबल में। नाउ x इज इक्वल टू हम दे देते हैं, सॉरी एक नया वेरिएबल ले लेते हैं y एंड y इज इक्वल टू x डॉट लेंथ, ठीक है। लेंथ जो है वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है और क्योंकि स्ट्रिंग एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है तो उसे हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हैं, ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में ऑलरेडी होता है। तो इसे अब हम प्रिंट करके देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट
the length of string is then plus and y. Okay, save and refresh. ये देखिए द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 18. वैसे अगर मैं मेरा नाम यहाँ पर लिख दूं जिसकी लेंथ 5 है तो सेव एंड रिफ्रेश एंड द लेंथ इज 5. ठीक है, वैसे ही wishacademy.com सेव एंड रिफ्रेश. ठीक है, तो इस तरह ये लेंथ बता रहा है. ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है. अब देखते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की एक मेथड. वेरिएबल ले लेते हैं हम एक जेड और जेड इज इक्वल टू हम कर देते हैं x dot to upper case and method में हम आगे parenthesis लगाते हैं इस तरह. अब देखिए क्या होता है, इसे हटा देते हैं. एंड wishacademy.com मैंने पूरा स्मॉल कैप में लिखा है. यहाँ पर हम वेरिएबल प्रिंट करा के देखते हैं और देखिए पूरा कैपिटल में आ गया टू अपर केस. ठीक है, तो इस तरह मेथड वर्क करती है. ये है बिल्ट इन मेथड्स एंड बिल्ट इन प्रॉपर्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की, जिसे हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियोस में. बट फंक्शन में और मेथड में कुछ डिफरेंस होता है. यहाँ पर आपको ये टूपर अपर केस जो है एक फंक्शन की तरह दिखाई दे रहा होगा. फंक्शन में और मेथड में एक डिफरेंस होता है कि फंक्शन जो होता है वो स्टैंड अलोन यूनिट होती है, मतलब अकेले आता है. अगर आप फंक्शन कॉल करते तो कुछ इस तरह आता टू अपर केस एंड यहाँ पर आपका कोड लिखा होता. लेकिन मेथड जो होती है वो ऑब्जेक्ट के साथ आती है. लाइक जैसे यहाँ पर आया है एक्स एक ऑब्जेक्ट हो गया एंड डॉट जो हमने लिखा यहाँ पर टू अपर केस आया इसके बाद, तो ये एक मेथड हो गई. जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो भी हम यूज करते हैं, यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट जो होता है एक ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, आपका वेब पेज डॉट राइट जो होता है एक मेथड होता है जिससे हम राइट करते हैं वेब पेज पर, और क्या राइट करना है वो लिखते हैं यहाँ पर. ठीक है, सो ये होता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, यूजर डिफाइन क्या होता है एंड बिल्टिंग क्या होता है, ये हमने देखा. ओके, आगे की वीडियोस में पढ़ने वाले हैं कुछ मेन ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रिंग, नंबर, अरे, आरएजी, एएक्सपी एंड मैथ्स एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे. ठीक है, सो कीप प्रैक्टिस, सी यू नेक्स्ट वीडियो. टाटा, बाय बाय.